तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नोकिया 5.4 है उसके बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस फोन के फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें 2 साल की अपडेट आएंगे उसकी गारंटी दी गई है, मतलब आप इस फोन को यूज कर 2 साल तक यूज करते हैं तो इसमें रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर इसमें अपडेट आते रहेंगे। ये फोन है वो स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड रहेगा, ओके गूगल है इसलिए ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड है। इसमें हम देख सकते हैं कि केबल भी चार्जिंग केबल टाइप सी की दी गई है, इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप सी टू ए है, मतलब इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इसमें हम देख सकते हैं जो चार्जिंग दी गई है वो 10 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है। क्या है वो हाइब्रिड सिम कार्ड है, मतलब हम इसमें दो सिम कार्ड प्लस एक मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो स्क्रीन दी गई है वो 6.39 इंचेस की HD प्लस स्क्रीन दी गई है, याद रखिए नॉट फुल HD प्लस। और इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो हर फोन की तरह 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो स्नैपड्रैगन का है 662 इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है और इसमें 4GB और 64GB का वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। 4000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें मैं जैसा पहले आपको बताया कि 10 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। तो स्कोर इस फोन का निकल के आता है वो 180,000 के करीब ही आता है। तो ये बेसिक फोन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूजेज के लिए। इसमें हम हैवी गेमिंग नहीं खेल सकते क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा वीक किया गया है। मिड रेंज का इस फोन की जो प्राइस है वो मिड रेंज की दी गई है। सो इसके कैमरे की हम बात करें, इसमें जो कैमरा यूज़ किया गया है वो 48 मेगापिक्सल का है, फिर 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के इसमें डेप्थ के लिए और मैक्रो के लिए इसमें कैमरा यूज़ किए गए हैं। कैमरा दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल का है और FHR 2.0 पे सपोर्टेड है। इसमें रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है लेकिन उसकी स्पीड हम देखें तो इतनी ठीक ठाक ही है, मतलब सुपर फास्ट जो स्पीड देखें कि हम टच किया उसके साथ ही फोन अनलॉक हो जाता है तो वो थोड़ी स्लो है। और इसमें फेस अनलॉक भी दिया गया है जो कि सारे फोन में अवेलेबल होता है, मतलब उसमें सारे फोन में फेस अनलॉक दिया गया है, फेस अनलॉक होता है तो वो भी इसमें अवेलेबल है। और इसकी जो प्राइस रेंज होने वाली है वो 14,000 to 15,000 तक होने वाली है। तो इसमें मल्टीमीडिया की बात करें तो इसमें डिसेंट क्वालिटी का वॉल्यूम दिया गया है और इसके कलर हैं वो भी ठीक ठाक दिए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।